तो फालतू की बात चुपके चुपके खा ले तो मैं अपनी रोज सुबह लेट जागने की आदत को सुधारने की कोशिश में लगाऊं। कल मैं 6 बजे जगा था और आज 5:30 बजे, मगर नींद मेरी सिर्फ अभी 1% खुली है। तो पापा कहते हैं छत पे आ जा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरी नींद खुल जाएगी, मगर नींद के नशे अभी मेरे अंदर 99% है, इसलिए मैं बैठने की जगह लेट जाता हूं। और सच बता रहा हूं, अभी मुझे खुद होश नहीं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैसे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं फुल नींद के नशे में हूं। इस बुरी आदत से निवारण होने के लिए मैं ठीक ठाक बंदा ठेस बुद्धि और पुनिया को भी सुबह जल्दी बुलाता हूं, जिससे कि इनके आने से मैं जग जाऊं और रनिंग के लिए जा पाऊं, मगर कोई फायदा नहीं होता। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मुझे क्या हो गया, कहाँ गया वो अमित जो सुबह के अंधेरे में जाकर रनिंग करने जाया करता था, एक्सरसाइज करता था। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग। तो चलिए बहुत हुआ मजाक, हल्का सा सीरियस होते हैं। इतना बुरा भी नहीं हूँ, कम से कम एक काम तो मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, मगर ये क्या, ये काम तो आज पापा ने कर दिया। शिट, कंटेंट गवा दिया। एक काम करता हूँ, मैं भी नहा लेता हूँ, फिर तुम्हें फालतू की बात बताऊंगा। A few minutes later. तो यस, नहा के मैं तैयार हूँ, और वो फालतू बात क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। क्या है ये? ये है ब्रेड के, बेसन के पकौड़े। इतना फैंसी खाना आखिर बन कैसे गया? मैगी हो, पकौड़े हो या चावल, सॉस इज मैंडेटरी। मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब। तो गाइस, तो फालतू की बात ये है कि इसके दिमाग में भूत चढ़ा है कि इसको अपने बाल कटवाने हैं, पूरे नहीं आधे बाल कटवाने हैं। और ये भूत इसके दिमाग पे अब से नहीं, 4-5 महीने पहले से चढ़ा है। मगर घर में लड़कों को बाल बढ़ाने की और लड़कियों को बाल कटवाने की परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए ये अपना प्रस्ताव लेकर मेरे पास आई थी। क्योंकि ये मेरे पर्सनल वकील हैं और मेरे घर में सारे केस यही लड़ते हैं, और अच्छी बात ये है कि ये मेरे केस जीत भी जाते हैं। Because I'm a good lawyer. तो वैसे मैंने इसको आज की डेट दे दी थी कि आज मैं तेरे बाल कटवाने ले चलूंगा, मगर मेरे किए गए वादे और सरकारी वादों में ज्यादा अंतर नहीं होता। वैसे जी बात तो सही है, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बनाना बंद तो है। इसकी टांग टूटने से बच गई। तो ये जाएगा। फिर मुझे बाहर से आवाज आती है कि पानी लेकर आओ, मगर क्यों? क्योंकि कोई राहगीर यहाँ से गुजर रहे होंगे जो थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्हें प्यास लगी तो पानी पिला दिया। एक्चुअली इनके पैर में थोड़ी चोट है तो ठीक से चल नहीं पा रहे, और ऊपर से धूप भी कड़क है। ज्यादा दूर नहीं, बस पास में जाना इनको, तो मैं छोड़ने चल देता हूँ। उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने के बाद मैं घर पे आकर देखता हूँ कि ठीक ठाक बंदा यहाँ मंडरा रहा है। राम राम। तू अभी तक नहाया नहीं? नहीं अभी तक नहीं नहाया। इतना नीच। मैं वीडियो एडिट करके जाऊंगा। तू वीडियो एडिट करके नहाएगा? और तेरी वीडियो कब तक एडिट होगी? 12:30। मैं ये कल से सुनते आ रहा हूँ कि तू वीडियो एडिट कर रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है। अरे रात में ऐसा हुआ था, मैं रात में ऐसा हुआ था कि तुम सो गए थे। आज देखते तेरे खुद में ही खाई, और रात को चुपके चुपके खा ली तो है हमारे घर। चल आज बना के देखा, आज संडे है, आज संडे इंजॉय करते हैं। प्याज टमाटर कट के तैयार है, तो पेश करते हैं पनीर। तो जल्दी से झटपट फटाफट बनाता हूँ पनीर वाली मैगी। डोसे काम नहीं चलेगा। वन विन नाम की वेबसाइट पर लकी जेट नाम का एक गेम है, जिसमें आप अपने पायलट को टेक ऑफ कराकर अच्छी खासी धनराशि जीत सकते हो। मैं लकी जेट पर 5,000 रुपए डिपॉजिट कर चुका हूँ, और देखते हैं कि मैं कितने पैसे जीतता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, वन विन ऐप पर जाना है, लकी जेट पर क्लिक करना और अपने पायलट को टेक ऑफ करा देना है। अब मेन टास्क आपका यह है कि आपको अपने पैसे कलेक्ट करने हैं, जिससे पहले कि आपका पायलट चला जाए। यहाँ पर मेरा पायलट उड़ चुका है और मैं जीत चुका हूँ 14,150 रुपए। तो जीते हुए पैसों को विदड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना, बस अकाउंट पर लॉग इन करना है, विदड्रॉ पर क्लिक करना, और आपको जो भी मेथड बेस्ट लगे उससे आप अपने पैसों को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो जो वन विन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस लिंक से डाउनलोड करने पर और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको साइन अप के टाइम मिलेगा 25,000 रुपए तक का बोनस। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से वन विन पर जाओ और अर्निंग स्टार्ट करो। तो मैगी बनने के बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चलता कि वो थाली में कब परोस दी गई। मैं सेहत का ख्याल रखने का थोड़ा सा नाटक करता हूँ मैगी में से सिर्फ पनीर खाकर। वाह,
खा पी कर मैं चैन से बैठा ही होता हूँ कि मेरी बहन की चुभती हुई आवाज मेरे कानों में टकराती है। मगर क्यों? क्योंकि मैगी के चक्कर में ट्यूशन के लिए लेट हो जाती है, फिर हड़बड़ाती हुई मुझसे कहती है कि मुझे ट्यूशन तक छोड़े आओ। कसम अपने सुंदर चेहरे की, अगर ये गाड़ी ना होती तो मैं इसे बाइक से कभी छोड़ कर नहीं आता, क्योंकि बाहर रूह जलाने वाली गर्मी हो रखी है और गाड़ी में एसी चलती है। वो बात अलग है कि घर में भले ही एसी नहीं है। तो ये ट्यूशन के लिए कितना लेट हो गए इस बात का अंदाजा आप इनकी फुर्ती को देखकर लगा सकते हैं। पागल है तुम लोग, कौन है? तो जैसा कि अभी मैं कार ट्रेनिंग में चल रहा हूँ, मैं सीधी सीधी कार चला लेता हूँ, टर्न वाली अभी सीख रहा हूँ। तो यहाँ से कॉलोनी आ गई है, यहाँ से मैं अभी कार चलाऊंगा, लेकिन भैया यस, तो हम ये गाड़ी अब ठीक ठाक अंदर सौंप देंगे, क्योंकि इसको भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। यस यस, तो क्या आप तैयार है गाड़ी लेने के लिए? यस यस। आहा, धूप बड़ी भयंकर, इतनी भयंकर धूप है कि एकदम आत्माएं जल रही है शरीर की। कह रही तो ओवर एक्टिंग करा था, बस इतनी है कि धूप ज्यादा है। सीट बेल्ट कौन लगाएगा? मैं देखिए दिखाना पड़ता सीट बेल्ट लगा के। ओके, ये हैंड ब्रेक कौन नीचे करेगा? मैं लो यार। आराम से भाई, आराम से। सर सर, कैन यू प्लीज लोअर द स्पीड? यस सर। सर, हमको सही सलामत घर जाना है और ये वापस देनी है सही सलामत गाड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस गाड़ी को मैं मांग कर चलाता हूँ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं आएगी। तुम उसे उल्टी पुल्टी तरीके से चलाओ और आफत मेरे गले लग जाए। तो देख सकते हैं टिकटॉक बंदा कितना कूल लग रहा है गाड़ी चलाते हुए। आराम से भैया। आराम से भाई। भाई मैं मजाक ना कर रहा भाई। नहीं नहीं, अरे आराम से चली सर। अरे अरे बाबा, अरे बाबा, इतनी अजीब सी रोड है ऊबर खावड़ वाली, फिर भी ये इस पर दम दिखा रहा है। पर ये नहीं पता कि इस पर थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हुई तो ये गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि ये यूपी है, यहाँ पर गाड़ियां बड़ी जल्दी पलटती हैं। तो जैसा कि आगे कीचड़ आ चुकी है, टिकटॉक बंदे की रूह कांप गई क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकता। चल तू पीछे पहुंच जल्दी। थैंक यू सर। अरे अमित भाई निकालेंगे ऐसे सो के गाड़ी? सो के नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हल्की फुल्की हम ऑफ रोडिंग कर लेते हैं इससे, क्योंकि हमारे यहाँ का रास्ता ऐसा है। और यहाँ पे भैया बहुत ही चील वाली निगाह भैया की हमारी, और यहाँ से गाड़ी बिना बिगड़े हुए निकल चुकी है। मतलब ये देखो, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो कृपया करके इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा घर ही है, ये आ गया बगल में। कमेंट करके जरूर बताना कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, हल्की पुल्की बढ़िया चला लेता हूँ अब तो पहले से ज्यादा। भैया कुछ नहीं, बस दोनों ताऊ पापा और भैया बतिया रहे हैं एक दूसरे से और मैं इस मनमोहक दृश्य के आनंद ले रहा हूँ। बैठे बैठे फिर एक ग्लास लस्सी बन जाती है। अब ये जो बैठे हैं बड़े ताऊ यानी हरेश भैया के पापा, ये इंडियन आर्मी से रिटायर है, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर है, बस अभी तक रिटायर नहीं हुए। तो ये ताऊ आज इनकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और कल ड्यूटी चले जाएंगे। तो देख सकते हैं ठेस बुद्धि ठीक ठक बंदा और पुनिया, तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। नाइस दोस्ती, मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहूंगा, टाइम नहीं है, सॉरी। बैठने के लिए लिया मैंने, बस थोड़ा सा उदम करने को मिल गया तो मानो स्वर्ग मिल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे युद्ध हो चुका है और बहुत बढ़िया उदम मचा लिया, मजा आ गया, खुश हो गए, खुश हो गए। अब एक काम करो, जितनी शिद्दत से तुमने इस कमरे में उदम मचाया उतनी ही शिद्दत के साथ इस कमरे को पूरा सेट कर दो, कृपया करके, कृपया करके। कुर्सी जहाँ रखी है वहाँ रख दो, कपड़े जहाँ से तौली वाली उठाई है वहाँ रख दो, सबको सेट कर दो, वरना हम एक दिन आपके घर आएंगे और आपके घर वाले ही बोलेंगे कि बेटा एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांधो, आप यहाँ से चलते बनो। तो जैसा कि भोली वाली मासूम लोगों की पलटन पूरी एकत्रित हो चुकी है, तो क्यों ना एक शराफत के साथ शांति प्रिय खेल हो जाए। ले चलो, तुमने आज की गई, आज की गई तुमने। मैं आपको कल ले जाऊंगा बाहर का। मोना मतलब जिनने मुंह तो नहीं गई के, मैं तो आज आया हूं मां कसम। ए चले, मां कसम नहीं खाई ठीक है, मैंने कौन सी कसम नहीं खाई। हां तो
मैंने कोई कसम नहीं खाई थी, मैंने इससे बोला था कि अगर मौका मिला तो आज ले जाऊंगा, आज की डेट रखी थी। और आपको तो पता ही मेरे वादे और अंतर होता है, जब कोई अंतर नहीं होता सरकारी वादों में। कल ले जाऊंगा ना, कल ले जाऊंगा। मुझे पर क्या फर्क पड़ेगा, डेढ़ ग्राम के हाथ से मुझ पर क्या ही फर्क पड़ेगा। एक अगर एक मेरा घूंसा पड़ गया ना, अगर मैंने अपने घूंसे की सिर्फ 2% इस पर यूज कर दी ना, ये 2 साल तक घूस में नहीं आएगी। मैंने एक कर दी ना उंगली, कहाँ चले आएंगे। नाइस जोक। जल्दी वहां से हटो। Nice, very good. सस्ता पार्कर ठीक ठाक बंदा, मोटा पार्कर ठेस बुद्धि विद मोटी बुद्धि एंड मोटा पैसा। जल्दी वहां से हटो, देख लो भाई, देख लो भाई पुनिया, ये तुम्हारे सैंडल के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। पुनिया ने अपने सैंडल ठीक ठाक बंदे को क्या दिया कि वो इनके ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए ऑफ रोडिंग करने लग गया। माय गॉड, कैच लो कैच। अरे आप पे कैच नहीं लेना था। ये ताऊ कर क्या रहे हैं, पापा और बड़े ताऊ तो आराम फरमा रहे हैं। कौन सी दवाई बना रहे हैं, पता नहीं ये कौन सी जड़ी बूटियों वाली दवाई बना रहे हैं। हैं? मैंने किसी के बीच कोई लड़ाई नहीं करवाई, मैं सबसे संत इंसान हूँ यहाँ पे, सबसे शरीफ इंसान मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं किसी के बीच कोई लड़ाई नहीं करवाता। ओए पायल मेरी बात सुन, पीछे सांप रे तो है। मैं झूठ ना बोल रहा भाई। ओए कभी कभी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। तो देखो ऐसा होता है, कभी कभी और पूरे पूरे में अंतर होता है, तो कभी कभी और पूरे पूरे में भी थोड़ा सा कभी कभी बचता है, तो उस कभी कभी वाली सिचुएशन ना थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। को समझे? वो तो कहूँ ना कभी 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 चल रही है। और कभी कभी दिमाग लगा के देखो। देखो बहनों की सुननी चाहिए, लेकिन बहनों की बकवास नहीं सुननी चाहिए। वो बकवास कहाँ कर रही है वो इतनी बकवास कर रही है, इतनी बकवास कर रही है कि आपको क्या होता है। तो अभी हम एक शांति प्रिय खेल खेलने जा रहे हैं, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और रूल्स बहुत ही सिंपल है। जिस किसी को भी मैदान में आना पड़ेगा, किसी एक इंसान को, उस पे आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसके हाथ में तकिया थमाया जाएगा, और वो सब में तकिया मारेगा आंख बंद करके। जिसमें भी तकिया पड़ेगा अगली बारी उसकी आ जाएगी, और तब तक वो तकिया मारेगा, हमको उसे बच के रहना और एक दो थप्पड़ लगा देने बस। और जैसा कि अभी अभी मतलब कौन पहले मैदान उतरेगा उसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं, पत्ती रखकर उंगलियों के बीच। तो अभी मैंने उंगली के बीच पत्ती रखी थी, तो पत्ती आई है ठीक ठाक बंदे के लिए, सॉरी ठेस बुद्धि के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? अब ठेस बुद्धि इस खेल को खेलने के लिए बुरी तरह से घबरा रहा है। आंखों में पट्टी बांधे तो दुनिया पूरी अंधेरे में चली जाती है। अब आंख बंद करके ये गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं कि अब हम एक हाथ और एक पैर को बांध देंगे और बाकी के सारे रूल सेम है। और मैं फंस गया।
तो ये गेम जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि बॉडी को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे और एक पैर पर भी ज्यादा देर तक नहीं उछल पा रहे। और एक और बात की ये लोग मेरे नजदीक बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और ऊपर से ये एरिया थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए ये गेम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यही नहीं तो दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक मौत का खेल होने जा रहा है। वो खेल कैसा है कि हम सबकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी और सबके हाथ में तकिए होंगे और आंखों पर पट्टी बांध के सब एक दूसरे में देंगे। देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पिटता है कौन नहीं पिटता है। तो ये गेम सुनने में जितना खतरनाक लग रहा है असल में ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो सभी खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बंध चुकी है। पूरी ईमानदारी के साथ खेल कर मैं इस खेल की गरिमा बनाए रखता हूँ। इस गेम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए हम दो टीम बना लेते हैं। एक टीम में मैं और पुनिया और दूसरी टीम में ठीक ठाक मंदा और ठेस बुद्धि। मगर तभी मम्मी आ जाती है और मेरा दिमाग फट जाता है। मम्मी मुझे खरी खोटी सुनाती है और मैं सुन लेता हूँ। पूरे दिन के अब मैं इससे कह रहा हूँ कि कल तेरे पापा जा रहे हैं ड्यूटी, ठीक है? तो ऐसा छोड़ने तो जाऊंगा, तो मैं इससे कह रहा हूँ परसों ले चलूंगा तेरे बाल कटवाने, ठीक है? क्या चाहिए आपको? तो हम आपसे एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछ रहे हैं, आपको क्या चाहिए? आइसक्रीम। क्या? हमको सुनाई नहीं दिया, एक और बार बोलेंगे? आइसक्रीम। एक्चुअली आपने ज्यादा तेज बोला, थोड़ा मीडियम बोली जिससे हमें समझ में आए। आइसक्रीम ये क्या होता है, कृपया इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे? बर्फ मलाई। एक काम करिए, हमारे फ्रिज में से बर्फ ले जाइए और हमारे दूध के ऊपर मलाई जमी होगी, उसको उसके ऊपर लपेट के खा लीजिए। मेरा नेक दिल होने की वजह से मैं कभी भी अपनी बात नहीं टालता और इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं लाता। तो जैसा कि ताऊ कल ड्यूटी जा रहे हैं तो सफर के लिए उनके लिए सांक मटरी बना रहे हैं, तो लगे हाथ अभी पूड़ियां बना दी हैं, तो बस खा लेते हैं फिर। ताऊ और पापा चलो छोड़ो प्राइवेट महफिल है। तो गर्मी का सहारा ये कूलर हमारा फैल के मस्त जमीन पर सोऊंगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार वीडियो के साथ।